आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर से कोई भी वीडियो को किस तरीके से हम ऑडियो यानी MP3 में किस तरीके से बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप VLC मीडिया प्लेयर से कोई भी वीडियो को किस तरीके से आप ऑडियो में यानी MP3 में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जो ये जानते ही नहीं हैं किस तरीके से वीडियो को ऑडियो में बदला जाता है। बहुत सारे लोग जो है कोई एप्लीकेशन कोई ऐप डाउनलोड करके उसको जो है वीडियो को MP3 में बदलते हैं, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में आपके मोबाइल में अगर VLC मीडिया प्लेयर है तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आप VLC मीडिया प्लेयर से उसको वीडियो को आप MP3 में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर से कोई भी वीडियो को कैसे MP3 में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर से आप कोई भी वीडियो को किस तरीके से ऑडियो में यानी MP3 में बदलेंगे, इसका मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो भी वीडियो को मैं MP3 में बदलूंगा। तो यहां पर देख रहे हैं एक्स फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो है, मैं वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए मेरा ये वीडियो है, मैं आपको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो डिजी लॉकर में रजिस्टर होते हैं तो उसका आधार कार्ड पहले से डिजी लॉकर में रजिस्टर है ऐसा लिखा हुआ आता है। आपने देखा ये मेरा वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, मतलब बदल के दिखाऊंगा। इसको वीडियो को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और कैंसिल करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है कि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कहाँ है। तो चलिए मेरा यहाँ है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर ढेर सारा। यहाँ पर मीडिया वाले पर आपको राइट क्लिक करना है एक बार। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि कन्वर्ट स्लैश सेव का, और शॉर्टकट में आप कंट्रोल प्लस आर डालिएगा तो आपको जो है ये जो ओपन होके आ जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देखिए एड वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो वीडियो जहाँ भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा मैं डेस्कटॉप पर चलूँगा और डेस्कटॉप पर जाने के बाद ये मेरा एक्स फाइल है, मैं इस पर एक्स फाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा वीडियो है, मैं वीडियो को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ओपन कर दूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब करना क्या है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि कन्वर्ट स्लैश सेव का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ इसमें ढेर सारा ऑप्शन मिल रहा होगा, इसमें से आप कोई भी इस तरीके से ऑप्शन रहे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑडियो MP3 है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ब्राउज वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ डाल देता हूँ राजा, और यहाँ पे आपको डाल देना है MP3, इस तरीके से डालना है और यहाँ सेव वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि आपका जो है डेस्टिनेशन फाइल आ चुका है। अब यहाँ स्टार्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे जो आपका वीडियो है MP3 में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये MP4 MP3 में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो इसी में आ गया है। तो एक्स फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करते ही यहाँ पर देखिए ये वीडियो था मैं जो आपको प्ले करके दिखाया था, और यहाँ पर देखिए कि मैं नाम डाला था राजा MP3, तो वो यहाँ पे MP3 में कन्वर्ट होके आ चुका है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है। ये कि जब वो डिजी लॉकर में रजिस्टर होते हैं तो उसका आधार कार्ड पहले से डिजी लॉकर में रजिस्टर है ऐसा लिखा हुआ आता है।
आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब। सो भाई आपने जाना किस तरीके से बहुत ही आसानी से VLC मीडिया प्लेयर से आप कोई भी वीडियो को आप बहुत ही इजीली तरीके से बिना कोई एप्लीकेशन बिना कोई ऐप डाउनलोड किए आप उसको वीडियो को आप MP3 में बहुत ही आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बदल सकते हैं। तो देखा गया आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, बस आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में सिंपली VLC मीडिया प्लेयर होना ज़रूरी है। इससे आप बहुत ही आसानी से अपने कोई भी वीडियो को आप उसको MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं बदल सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से VLC मीडिया प्लेयर से कोई भी वीडियो को किस तरीके से MP3 में बदलेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।